पिक करनी थी स्कूल से, वो भी पिक करने आए हम लोग। कुछ बताया गया वजह क्या है? बस खाली व्हाट्सएप पे मैसेज आया। और आप लोग थोड़े से तो घबराए होंगे और पैनिक में नहीं, ऐसा ऐसा कुछ होना नहीं चाहिए। आई थिंक ये किसी का रूमर ही हो सकता है। आपको क्या फोन आया था स्कूल से? मैं बच्चे को इमीडिएटली लेके जाऊंगी। अच्छा, क्या कहा गया आपको स्कूल से? जो फोन आया उसमें क्या वजह है? थ्रेटनिंग एजेंसी। अच्छा, तो फिर आप लोग भागे भागे आए और बच्चों को ले जाए। आज सुबह सुबह दिल्ली NCR के स्कूलों में हड़कंप मच गया। माँ बाप की धड़कनें रुक गईं और शिक्षकों के होश उड़ गए। यह सब कुछ हुआ राजधानी दिल्ली और नोएडा समेत NCR के 80 से ज्यादा स्कूलों को बम से उड़ाने की धमकी भरा ईमेल आने से। इन स्कूलों में DPS, मदर मैरी और MAT समेत कई नामी स्कूल शामिल हैं। बताया जा रहा है कि ईमेल सुबह के वक्त आया, स्कूलों ने तुरंत इसकी सूचना पुलिस को दी। मौके पर पुलिस और बम स्क्वाड, डॉग स्क्वाड और फायर ब्रिगेड की टीम भी पहुंची। पुलिस ने तुरंत सभी स्कूलों के कैंपस को खाली कराकर सर्च अभियान चलाया। एक एक क्लासरूम और पूरे स्कूल की तलाशी ली गई। वहीं स्कूल मैनेजमेंट ने संदेश भेजकर अभिभावकों को इसकी जानकारी दी और बच्चों को घर ले जाने का अनुरोध किया, जिसके बाद अभिभावकों में खलबली मच गई और दिल्ली NCR में अफरा तफरी मच गई। पेरेंट्स बच्चों को घर ले जाने के लिए स्कूल पहुँचने लगे। दिल्ली पुलिस के स्पेशल CP लॉ एंड ऑर्डर रविंद्र सिंह यादव ने इस बारे में और जानकारी दी है। वो काफ़ी स्कूल्स में आज ये ईमेल आया है और कल कुछ हॉस्पिटल्स में भी आया है, तो उस पर अलग से काम चल रहा है। बाकी जैसा अभी आपने देखा, LG साहब इस DAV स्कूल में आए थे मॉडल टाउन में, तो इस प्रकार काफ़ी स्कूल्स में कॉल आई। हमारे ऑफिसर्स सब जगह मुस्तैदी से चेक कर रहे हैं, इवैक्यूएट भी कर रहे हैं और थॉरो चेकिंग चल रही है। बॉम्ब डिस्पोजल स्क्वाड, BDT है, स्निफर डॉग्स हैं, फायर ब्रिगेड को भी स्टेशन किया हुआ है, तो किसी प्रकार का हम कोई चांस नहीं ले रहे हैं। पूरी तरह से उसको चेक करके और बच्चों की सेफ्टी को इंश्योर कर रहे हैं। दिल्ली के जैसे ईस्टर्न रेंज में ही करीब 15 स्कूल में आ चुकी थी, कुछ आपके यहाँ मेरे ख्याल 8 स्कूल इनके नॉर्थ वेस्ट में है, सेंट्रल में भी कुछ स्कूल्स हैं, मतलब पूरे दिल्ली में ही काफी स्कूल्स हैं। तो मुझे लग रहा है हर डिस्ट्रिक्ट में ऑन एन एवरेज 5-10 स्कूल्स हैं, तो काफी स्कूल्स में आ चुके हैं। इवन इफ इट इज अ हॉक्स कॉल, वी कैन नॉट टेक चांसेस। तो हमें तो पूरी अपनी कार्रवाई करनी है, वो तो बाद में पता चलेगा कि क्या है, लेकिन जो भी कॉल आती है हम उसको सीरियसली लेते हैं। नोएडा DPS के प्रिंसिपल ने बताया कि किस तरह के धमकी भरे ईमेल आए थे। देखिए, मेल आई थी कि भाई कुछ बॉम्ब है कहीं कहीं जगह पे, पर देखिए बच्चे हैं हमारे पास तो हम कोई चांसेस नहीं ले सकते। हमने चेयरमैन से भी बात किया और सारे सीनियर ऑफिसर से पुलिस की बात किया, उनका सपोर्ट मांगा और साइमल्टेनियसली हमने बच्चों को ओपन एरिया में निकाला क्लासरूम से और पेरेंट्स को मैसेज किया, बसेस को दोबारा से लाइन अप किया और बच्चों को भेज दिया है। वहीं नोएडा पुलिस ने भी सभी स्कूलों की जांच की है। देखिए, एक मेल के माध्यम से सूचना प्राप्त हुई थी कि DPS में कोई धमकी भरा कार्य हो रहा है, उसके विषय में तत्काल सभी ऑफिसर्स मौके पर पहुंचे, जिसमें हमारी ASCAC टीम, BDDS टीम के साथ साथ फायर ब्रिगेड और सीनियर ऑफिसर्स मौके पे हैं। सभी जो बच्चे हैं उनको सकुशल घर भेज दिया गया है। बाकी हम लोग सर्च एक कर चुके हैं, अभी तक वहाँ पे कोई इसी तरह की अवांछित वस्तु नहीं मिली है। फिर भी हमारी टीमें कंटिन्यू चेक कर रही हैं, हम इंश्योर कर रहे हैं कि कहीं पे कोई चीज ना। हालांकि अभी तक पुलिस को कुछ भी आपत्तिजनक नहीं मिला है, इससे ऐसा जाहिर हो रहा है कि ये ईमेल फर्जी था। दिल्ली पुलिस ने जनता से अनुरोध किया है कि वे घबराएं नहीं और शांति बनाए रखें। मैं इतना कहना चाहूंगी पेरेंट्स को कि पैनिक ना करें, ये वाली कॉल्स हमारे लिए भी बहुत सीरियस होती हैं। तो एक एस्पेक्ट है सुरक्षा का, तो उसके लिए हम हर एक संभव जो भी प्रोटोकॉल के अनुसार है वह कर रहे हैं और दूसरा है इन्वेस्टिगेशन का जो पैरेलली हम कर रहे हैं। धमकी भरे मेल के आखिर में .com में सभी मेल को CC किया गया है और RU लिखा हुआ है। पुलिस इस RU का मतलब रशिया से निकाल रही है। हालांकि जरूरी नहीं कि सभी मेल रशिया से ही भेजे गए हैं, लेकिन पुलिस हर एंगल से जांच कर रही है। पुलिस का मानना है कि इसे भारत में बैठकर भी अंजाम दिया जा सकता है, लिहाजा पुलिस उस IP एड्रेस को ट्रेस करने में लगी है जहाँ से सभी स्कूलों को ईमेल किया गया है। पुलिस को उम्मीद है कि एक बार IP एड्रेस पता चल जाए तो आरोपी को ढूंढने में ज्यादा मशक्कत नहीं करनी पड़ेगी।
फिलहाल पुलिस इस मामले में साजिश और शरारत दोनों एंगल से जांच कर रही है। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल के साथ साथ साइबर टीम को भी मामले की जांच में शामिल किया गया है। वहीं गृह मंत्रालय की भी इस पूरे घटनाक्रम पर नजर बनी हुई है। घटना के बाद दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने पुलिस कमिश्नर से फोन पर बात कर डिटेल रिपोर्ट मांगी है। फिलहाल स्कूलों में तलाशी अब भी जारी है। टाइम्स नाउ नवभारत डिजिटल की रिपोर्ट।